कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की परेशानी देखते हुए पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, अलग अलग इस जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसानों को फसल खरीदने में आ रही दिक्कत से डीएम को अवगत कराया। कांग्रेसियों ने अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए रद्द करने की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद से चांद हुसैन की रिपोर्ट। हमारे मुद्दे बहुत सारे, लेकिन इस टाइम अन्नदाता रो रहा है। अन्नदाता पहले आपकी ओलावृष्टि हुई, आज तक उसका वो नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। किसानों को उनकी उनकी फसल की असली कीमत नहीं मिल पा रही, आज तक किसान रो रहा है। अब जो किसान का धान पक के आया तो उसके अंदर तोल के अंदर धांधली हो रही है। अगर किसान आत्महत्या करेगा तो कांग्रेस पार्टी परेशान होगी, परेशान नहीं होगी, उग्र रूप में प्रदर्शन करेगी, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। और ये सरकार छात्र विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, और ये सरकार गुंडे और माफियों की सरकार है। ये सरकार गुंडे माफियों, हमारी मांग है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्या मानते हैं दलितों के साथ अत्याचार भी हो रहा है कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अपहरण, हत्या और बलात्कार ना हो। सरकार ने कानों में रुई डाल ली है, उसके बाद जैसे अभी आपके हाथरस का कांड हुआ था, उसके ऊपर मिट्टी डाल ली, मिट्टी का तेल जला दिया, उसे यूं करके दबा दिया। सब कुछ इनके हाथ में, सरकार इनके हाथ में, जो चाहे वो मर्जी कर ले। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक घोटाला सरकार खुलेगी।